कृष्ण जन्मभूमि की जमीनी विवाद में आज बहस हुई, उसके बाद अगली सुनवाई 26 अप्रैल नियत की गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों में चली आधे घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत की है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के बराबर बनी शाही ईदगाह मस्जिद हटाए जाने की मांग को लेकर कई याचिका मथुरा के न्यायालय में दायर है। इसी में एक याचिकावादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की ओर से दायर की गई। इस याचिका की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद के बीच करीब आधे घंटे तक कोर्ट में बहस हुई और बहस के दौरान न्यायालय ने अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल नियत की है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है और बड़ा महत्वपूर्ण केस माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाबत चल रहा है और आज उसी में सुनवाई होगी। और हमने अपने पक्ष को रखते हुए माननीय न्यायालय के सामने सभी फैक्ट्स को रखा, सभी तथ्यों को रखा न्यायालय के सामने। और जो मुस्लिम पक्ष ये कहता है, जो शाही ईदगाह पक्ष कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यहाँ अप्लाई होता है, तो आज उसी को लेकर हमने कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ एक्ट एक्ट नंबर 42 यहाँ अप्लाई नहीं होता है। उसी को लेकर के बहस हुई है यहाँ पर, और बहस होने के बाद एक उन्होंने उनके द्वारा एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया है। ऑब्जेक्शन के लिए हमने उसकी कॉपी उनको अभी हमको मिली है। उस ऑब्जेक्शन कॉपी का हम जवाब दाखिल करेंगे नेक्स्ट डेट पर, और माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें नेक्स्ट डेट 26/4 निर्धारित की गई है, और 26/4 को इन सभी तथ्यों पर दोबारा से बहस होगी। कितनी देर बहस चली? बहस आज लगभग ये सुबह हमारा हुआ, लेकिन सुबह के बाद फिर सेकेंड सत्र में माननीय न्यायालय के द्वारा लंच के बाद इसको लगाया गया, और लगभग आधे घंटे की बहस इसमें हुई है। और आधे घंटे की बहस में हमने सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है, और न्यायालय को जो वास्तु स्थिति है कि ये 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशव देव जी की है, जन्मभूमि ट्रस्ट की है, इन लोगों का इलीगल पजेशन है वहाँ पर, इन लोगों का कोई टाइटल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए, नगर निगम का रिकॉर्ड देखिए, सब में जन्मभूमि का नाम है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है। वहाँ शाही ईदगाह मस्जिद का तो नाम ही नहीं है। ये जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, प्रॉपर्टी को हत्याया हुआ है, और जितना एरिया है मस्जिद का वो पूरा जन्मभूमि ट्रस्ट का है, हिंदू धर्म प्रेमियों का है, सनातन धर्मियों का है। हमने आज यही माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि इस तथ्य को सुन लिया जाए, और 13.37 एकड़ जो जमीन है वो अविलंब करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है, वो हिंदुओं को मिल। मथुरा के नौजील में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए ठेल